हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से नेचर होते हैं। तो फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, सेकंड है इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है वाइटल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स और सिस्टम अप्रोच। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक बेसिक देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी थी कि मार्केटिंग रिसर्च इज दी सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि मार्केटिंग रिसर्च सिस्टमैटिकली तरीके से हम डेटा को गैदर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं, ताकि हम मार्केटिंग की जो भी प्रॉब्लम है गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सके। तो ऊपर की डेफिनेशन बोलती है कि मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मार्केटर होता है वो डिज़ाइन करता है कि कैसे प्लान करना है, कैसे डेटा कलेक्ट होगा, फिर डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और फाइनली मार्केटिंग रिसर्च पे जो बेस्ट डिसीजन होता है उसको लेता है कि उसकी रिसर्च में क्या फाइंडिंग या क्या कंक्लूजन आया है। तो वो होता है मार्केटिंग रिसर्च, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो जो हमारे ये नेचर थे मार्केटिंग रिसर्च के 7, की फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, वाइटल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स और सिस्टम अप्रोच, इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जो भी मार्केट है वो कंसिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं लाइक कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि हमारे मार्केटिंग को, मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च इन सारे कंपोनेंट से डेटा कलेक्ट करती है मैनेजर की हेल्प से, ताकि वो इफ़ेक्टिवली तरीके से डिसीजंस ले सकें। जो भी डिसीजन होता है वो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव उसमें अचीव हो, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च एक मार्केटिंग का फंक्शन होता है, कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को मेनली उसी पे आपका फोकस होता है, कि आपको कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कौन से प्रमोशन मिक्स को यूज़ करना है, कितना बजट होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग रिसर्च होता है उसमें इन्वॉल्व होता है कि डेटा का हम कलेक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिनरी से, लाइक साइकोलॉजिकल, जिसमें आता है कि कंज्यूमर का परसेप्शन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सोशोलॉजी जो कि बताता है कंज्यूमर की इनकम कैसी है, कल्चर कैसा है, सोसाइटी या उनका लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक, जिसमें आता है कि डिमांड, सप्लाई, कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिटर, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम डिफरेंट टाइप से डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि हम स्टैटिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम मार्केट के डेटा को एनालाइज कर सकें। तो इसलिए बोला जाता है कि मार्केटिंग रिसर्च एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो कि सारे ही दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे डिसिप्लिन से रिलेटेड या उसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है वाइटल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हेल्प करता है कि कैसे मैनेजमेंट कंज्यूमर की नीड्स को, वॉन्ट्स को ध्यान में रखे, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए और उनकी नीड्स वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करें। तो ये एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि कैसे नए प्रोडक्ट को नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। तो मार्केटिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका नया प्रोडक्ट आप कैसे तरीके से लॉन्च करेंगे, टेस्ट करना है आपको सक्सेसफुल है नहीं है, कंज्यूमर की नीड्स फॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करता है नहीं करता, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम रिसर्च के थ्रू इजीली वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट ओरिएंटेशन के लिए। जब भी किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें उसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। तो मार्केटिंग रिसर्च आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के परसेप्शन के बारे में, सप्लाई सिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कॉम्पिटिटर का डेटा, कि आप जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, फॉर एग्जाम्पल कि आप टूथपेस्ट लॉन्च करने वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉम्पिटिटर है,
कितने फ्लेवर, कितनी वैरायटी वो दे रहे हैं या किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टूथपेस्ट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको उनको पहले से एनालिसिस करना है उनके डेटा को, तो आप किस टाइप का यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि लोग कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीद के आपका प्रोडक्ट खरीदे। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो कंज्यूमर की थिंकिंग, स्टाइल, परसेप्शन, वॉन्ट्स, टेक्नोलॉजी, जो भी सारे फैक्टर्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो मार्केटर्स को नीड होती है कि वो हमेशा ऑब्जर्व करते रहे कि क्या नए चेंज हो रहे हैं मार्केट में, क्या नई चीज़ें आ रही है, तो उनको क्या डिफरेंट करना है। तो रेगुलरली आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी होगी, जो कि आपको हेल्प करती है कि आप सही तरीके से मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और ये चेंजेस के थ्रू आप कैसे स्ट्रेटजीज को बनाएंगे, नए चेंजेस को कैसे लेके आएंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते रहें, ताकि जो भी मार्केट में चल रहा है, ट्रेंडिंग है, वही उसी तरह का प्रोडक्ट आप बना के ला सकें और उनकी नीड्स वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। इसलिए बोला जाता है कि मार्केटिंग रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। जो मार्केटिंग रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल करना होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे टाइप के एफर्ट्स लगे होते हैं। लाइक पहले हम रिसर्च की प्रॉब्लम को डिसाइड करते हैं, सैम्पल डिज़ाइन करना है, रिसर्च का कौन सा डिज़ाइन है, मतलब किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं आप, जो प्रॉब्लम है उसमें आपको किस चीज़ का आंसर चाहिए, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, फिर आप सैम्पल डिज़ाइन करते हैं, तो सैम्पल की कौन सी मेथड होगी, कितने लोगों का सैम्पल होगा, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कितना वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये होती है इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। नेक्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच। जो मार्केटिंग रिसर्च होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है, लाइक हमको डेटा का कलेक्शन करना है, उनको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो लिखा गया कि डेटा गैदरिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना, फिर एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है पर्टिकुलर एरिया में, कि वो इसको सही तरीके से कर सके। डेटा हमने इकट्ठा किया लोगों से जाके, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना एक चीज़ होती है, उसके लिए आपको अलग एक्सपर्ट्स चाहिए रहेंगे, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए डिफरेंट, जिनको कि स्टैटिकल या जो मार्केटिंग रिसर्च की टेक्निक्स है वो अच्छी तरीके से यूज़ करना आती होगी, कि कितना डिफरेंस आया है, जो भी हाइपोथेसिस है वो प्रूफ हुई है नहीं हुई है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया का डीप नॉलेज हो, उस टाइप के एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत होती है, ताकि ये सही सिस्टम की तरह चल सके। इसलिए इसको बोला जाता है सिस्टम अप्रोच। नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, वाइटल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट ओरिएंटेशन, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स और सिस्टम अप्रोच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मार्केटिंग रिसर्च और मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।